नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। सीमा हैदर एक अभी भी पहेली है, लेकिन खबर यह है कि पुलिस के हाथ अभी तक कोई ऐसा दस्तावेज नहीं लगा है, एटीएस के हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा है कि ये पता किया जा सके कि आज जासूस या वाकई आशिकी मोहब्बत यहां तक ले आई। जिस गली में मैं मौजूद हूं, आज से दो दिन पहले यहां बड़ा जमावड़ा था, यहां मीडिया, यहां लोग, क्योंकि लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि कोई कैसे मोहब्बत में सरहद लांघ कर आ सकता है और दो देशों की सरहद लांघ करा जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन आज यहां बड़ी शांति है, सीमा हैदर यहां नहीं है। हालांकि सचिन के जो भाई है वो बाहर निकले थोड़ी देर के लिए, तो हमने ये दिखाया बताया, हम फिर से कोशिश करेंगे। जरा आप बता पाए कि कहां है सीमा हैदर? सर मेरे को नहीं पता, अभी आप ही बता रहे थे कि शायद लाया गया उनको, लेकिन घर आप किसी रिश्तेदार के घर पर रखा गया। नहीं, ठीक है, हर कोई बच रहा है अभी कुछ भी बोलने से, ये भी बचते हुए नजर आए। कोशिश हम कर रहे हैं इनसे कि कुछ बताएं, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं। ये गली अभी फिलहाल सुनसान पड़ी हुई है, रिश्तेदार भी कुछ बचाने से बच रहे हैं, लेकिन यहाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि वहां से उनको रिलीज कर दिया गया है और अभी वो किसी रिश्तेदार के घर हैं। दो बच्चे यहीं पर हैं सीमा के और दो बच्चे सीमा के पास ही हैं। ये दरवाजा हम बार बार खटखटाने की कोशिश करते लेकिन कोई बाहर नहीं निकलता, और इतने के बाद तो यहाँ आप कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। लेकिन खबर ये है कि एटीएस के हाथ अब तक भी कोई ऐसा दस्तावेज नहीं लगा है जिसमें वो ये साबित कर पाए कि ये कोई जासूस ही है। किस तरीके से सीमा अवैध तरीके से, ये जरूर बात है, देखिए कि आप अगर मोहब्बत में भी देशों की सीमा को लांघ कर आए हैं तो भी आप अवैध तरीके से आए हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी, क्या आप कुछ और तरीका नहीं अपना सकते थे, ये बहुत बड़ी बात है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बाकी जानकारी भी आपको देंगे। तीन दिन की पूछताछ के बाद सीमा हैदर को लेकर अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब का यूपी एटीएस को इंतजार है। यूपी एटीएस सीमा और सचिन से पूछताछ कर रही है, इस दौरान कई खुलासे हुए हैं, कई ऐसे राज से पर्दा उठा है जो सीमा खुद में समेटे हुए थी, और कई दस्तावेजों में सीमा के इरादों और उसके भारत आने के मकसद के बारे में पता चलता है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की एजेंसियां प्लानिंग कर सकती हैं। इसके पीछे वजह सीमा का अवैध तरीके से भारत आना है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर के खिलाफ अब तक की जांच में जासूसी के सबूत तो नहीं मिले हैं, लेकिन सीमा गुलाम हैदर जिस तरीके से अपने चारों बच्चों के साथ दुबई होते हुए नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी और बिना परमिशन सचिन मीणा के घर में रही, वो पूरे तरीके से अवैध है। सीमा हैदर के पास कोई वैध वीजा नहीं है, ना कोई ऐसा दस्तावेज है जो सीमा हैदर को भारत में रहने की इजाजत देता हो। ऐसे में जांच एजेंसियां सीमा हैदर और उसके चारों बच्चों को वापस से पाकिस्तान भेजने के विकल्प पर विचार कर सकती हैं। हालांकि इस कार्रवाई से पहले जांच एजेंसियां हर तरीके से अपने संदेह को पुख्ता करने की कोशिश करेंगी। जैसे सीमा के पास मिला अवैध आधार, सीमा के पास मिले 6 पासपोर्ट, सीमा के पास मिला टूटा मोबाइल, सीमा के पास मिले सिम, सीमा का दुबई कनेक्शन, सीमा का भारत आने का रूट और सीमा के सर्टिफिकेट में अलग अलग उम्र, क्योंकि ये वो वजह है जिनके बाद सीमा गुलाम हैदर पर शक की सुई घूमी थी और सीमा हैदर एटीएस की रडार पर आ गई। नेपाल में सीमा और सचिन की मुलाकात हुई थी, दोनों कई दिनों तक नेपाल के होटल में पति पत्नी का रिश्ता बताकर रुके थे और नेपाल में ही दोनों शादी करने का दावा भी कर रहे थे। हमारी टीम ने नेपाल के उस होटल के मालिक से संपर्क किया तो क्या कुछ जानकारी मिली वो भी सुनिए। शाम को निकलते थे मैडम, दिन भर रूम में रहते थे और सुबह और शाम को थोड़ा वो लोग बाहर निकलते थे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर ही खा के आते थे, खाना बिना सब फेक नाम दिया था हमको। उनको जब हमने न्यूज में दिखा तो उनका नाम सचिन है, हम भी थोड़ा शौक हो गया, और उनका नाम जो हम लोग ने एंट्री किया था यहाँ पर वो डेट में यहाँ पर, और कुछ नाम शादी तो पशुपतिनाथ मंदिर में शायद हुई थी, हमको भी उतना आइडिया नहीं है। मैंने जो वीडियो दिखा था जो उन्होंने सिंदूर डाले थे, वो सिंदूर यहाँ जो हमारा ये
रूमता था ना। यानी गलत नाम, गलत जानकारी और गलत पते के साथ सीमा हैदर और सचिन मीणा नेपाल में कई दिनों तक रुके थे। एटीएस सूत्रों का दावा है कि टीम ऐसी तमाम सबूतों की तस्दीक करने में लगी है, और अगर सीमा हैदर जासूसी के आरोपों से बरी हो जाती है तो उसे अवैध तरीके से भारत आने पर डिपोर्ट किया जा सकता है। इस घर के दरवाजे आज नहीं खुल रहे हैं, लेकिन दो दिन पहले यहीं से सीमा हैदर अपनी आशिकी की और अपनी मोहब्बत की पूरी कहानी को बयां कर रही थी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे नेपाल से सहयोगी दीपक बिष्ट भी जुड़ रहे हैं, उनका कर लेते हैं। दीपक, आप यहाँ आए, आपने इंटरव्यू किया, अभी बताइए कड़ी से कड़ी मिलती दिख रही है जब नेपाल पहुंचे, यहाँ के बयान और नेपाल में जब आप उस होटल उन लोगों से मुलाकात किया तो। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में हम यहाँ पर मौजूद हैं, और पशुपतिनाथ मंदिर में जो ये हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ पशुपतिनाथ मंदिर का, यहाँ पर अमूमन उन लोगों की शादियाँ होती हैं जो यहाँ पर शादी करने के लिए अलग जोड़े यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन जो मंदिर के अंदर हमारे सूत्रों ने बताया है कि अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड उनका नहीं मिल सका है जो यहाँ पर उन दोनों ने शादी की हो, क्योंकि ना ही मंदिर के रजिस्टर में कोई नाम अंकित है या फिर ये कहा जा सकता है कि दोनों ने अपनी पहचान छुपाई है। क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगा एंट्रेंस जो यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर का जो दूसरा हिस्सा जहाँ पर शादी होती है, वहाँ पर साफ तौर पर लिखा है एंट्रेंस फॉर दी हिंदूज ओनली, यानी यहाँ पर सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग जो आते हैं वो यहाँ पर शादी करने के लिए एलिजिबल हैं, उनको ही यहाँ पर परमिशन दी जाती है। जबकि सीमा हैदर मुस्लिम है और यहाँ पर उसने क्या अपना नाम छिपाया था, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर जो जानकारी ली अंदर मंदिर के अंदर, तो उनका ये कहना था कि इस नाम के या फिर इस शक्ल के कोई भी ऐसा नहीं था जिन लोगों ने यहाँ पर शादी की हो, और 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक के दौरान यहाँ पर कोई शादी नहीं हुई और ऐसे लोग कोई नहीं आए, क्योंकि उन्होंने जो नाम बताया था सीमा और सचिन, इस नाम से कोई भी यहाँ पर रिकॉर्ड में नहीं है, जिससे ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो शादी का उन्होंने दावा किया था कि पशुपतिनाथ मतलब मंदिर में आप नेपाल ये कह की रहे हैं शादी कि की जो थी, ये शादी वाली बात कही गई थी वो इस मंदिर में नहीं हुई है। जो आपके सामने सीमा का जब आपने इंटरव्यू किया, सचिन का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हमने शादी पशुपतिनाथ मंदिर में किया, उन्होंने नहीं की, ऐसा रिकॉर्ड वहां नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ही दोनों से बातचीत की थी, सीमा हैदर और सचिन से, जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में उस दौरान शादी करी थी जब वो पाकिस्तान से 10 मार्च के आसपास यहाँ पर पहुँची थी, और उसके बाद उन दोनों ने इसी मंदिर में आकर यहाँ पर शादी की थी। पशुपतिनाथ मंदिर में यहाँ पर उन लोगों को परमिशन होती है, क्योंकि कई लोग यहाँ पर शादी विवाह के लिए रोजाना आते हैं, और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा जाता है कि सिर्फ वही यहाँ पर शादी कर सकता है, क्योंकि सीमा हैदर मुस्लिम थी और यहाँ पर उसने क्या अपनी पहचान छिपाई, क्योंकि मंदिर के रिकॉर्ड में हमने ये पता लगवाया है कि यहाँ पर किसी भी तरह से सीमा हैदर या फिर सचिन मीणा का नाम नहीं है। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मंदिर में जो पुजारी जी यहाँ पर जो शादी करते हैं, अमूमन कई लोग अलग अलग जगह से पंडित जी आते हैं, तो उन्होंने जो शादी करवाई होगी उसमें भी उनका रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो भी शादी होती है उसका रिकॉर्ड होता है, तो क्या उन लोगों ने किसी दूसरी जगह शादी करी है? क्योंकि ये तो दावा किया जा रहा था कि होटल के अंदर तो एक कमरे में जो रूम नंबर 204 था वहाँ शादी की गई, लेकिन नेपाल के इस पशुपतिनाथ मंदिर में फोटो के तौर पर भी प्रूफ होता है क्या? मंदिर प्रशासन के पास में कोई फोटो के तौर पर प्रूफ होता है, या ऐसा तो नहीं है कि दोनों ने नाम बदला हो तब शादी की हो, अगर ये शादी की बात कह भी रहे हैं तो? देखिए, अभी तक ऐसी कोई पुख्ता चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, क्योंकि एटीएस भी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है, क्योंकि यूपी एटीएस को भी यहाँ पर जानकारी मिलनी है और उसको जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से यहाँ भेजा गया है, लेकिन अभी तक न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ही यहाँ पर इकलौता चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा है नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में। और हमने अंदर जाकर बात की तो उनका ये कहना था कि हो सकता है कि वो किसी दूसरे छद्म नाम से यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपनी पहचान छिपाई हो और यहाँ पर आकर उन्होंने फोटोग्राफी नहीं करवाई, उन्होंने बाहर आकर किसी दूसरे पंडित को का इंतजाम करके वहाँ पर शादी कर ली होगी, उसका कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। लेकिन जो मंदिर में अंदर शादियां होती हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, और ये कहा जा रहा है अंदर की तरफ से कि यहां पर जितनी भी शादियां हुई थी उस दौरान 10 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच का रजिस्टर का जो आंकड़ा था उसमें इन दोनों का कहीं से कोई नाम नहीं है, ना ही सीमा, ना ही आपके साथ कैमरे पर कही थी सचिन और सीमा ने, वो तो कम से कम यहाँ साबित होती नहीं दिख रही है। लौट रहे हैं आपके पास में आनंद, करो करते हैं आनंद, क्या एटीएस की तरफ से छोड़ दिया गया? क्योंकि यहाँ हमने सचिन के भाई से बात की ऑफ कैमरा, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए वो आ चुके हैं लेकिन हम किसी रिश्तेदार के यहाँ पर हैं, हम ये आपको नहीं बता सकते, सच है ये? देखिए बिल्कुल सपना, एटीएस की पूछताछ खत्म हो चुकी है सीमा हैदर और सचिन से। अब दो चीजें काफी महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में, एक तो कयास ये लगाया जा रहा है कि सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन क्या ये
संभव है, क्योंकि उसके खिलाफ यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उसे अभी रेगुलर बेल मिली है, तो इस पूरे मामले में चार्जशीट होगी, ट्रायल चलेगा। इस दौरान में कानूनी पहलू क्या है ये भी यूपी पुलिस पता कर रही है कि क्या ट्रायल के बीच में कोई आरोपी को दूसरे देश भेजा जा सकता है, तो उस ट्रायल का क्या होगा। डिपोर्ट की बात के लिए भी डिपोर्ट की पूरी प्रक्रिया होती है, अगर कोई गैर कानून तरीके से अगर भारत आता है तो उसे डिपोर्ट करने के लिए एक पूरा लॉ है। तो अभी यूपी पुलिस ये विचार विमर्श कर रही है कि अब सीमा हैदर का अगला भविष्य क्या होगा, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है सपना की, अब तक जासूस वाला कोई एंगल यूपी पुलिस की तफ्तीश में सीमा हैदर को लेकर नहीं आया है। जो मोटी मोटी जानकारी है उसके मुताबिक ये एक प्रेम प्रसंग का ही मामला लग रहा है, लेकिन जो रूट अख्तियार किया गया है, जिस तरीके से सीमा हैदर की भाषा है, उसकी लैंग्वेज है, वो जरूर शक पैदा कर रही है। इसलिए लेकिन इस तरीके से आप सीमा को लांघकर दूसरे देश में नहीं आ सकते, और भारत और नेपाल मैत्री समझौते में ये भी है कि अगर आप नेपाल से कोई तीसरा थर्ड नेशन का व्यक्ति आता है तो नेपाल को उसकी जानकारी देनी होगी, और ये जानकारी नहीं दी गई, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ। लौटूंगी आपके पास में। पशुपतिनाथ, न्यूज 18 इंडिया, मात्र एक ऐसी टीम जो पहुंची वो पशुपतिनाथ मंदिर, जहां दावा किया गया सीमा और सचिन की ओर से कि उन्होंने शादी रचाई है। जरा हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट की रिपोर्ट आप देखिए। शक्तिपीठ श्री ग्रहेश्वरी मंदिर है जो पशुपतिनाथ मंदिर के दूसरा हिस्सा है, और इसी जगह पर बताया जाता है कि यहाँ पर शादी होती है। तो इस पूरे सीक्वेंस में काफ़ी कुछ है, क्योंकि नोएडा पुलिस जब जांच कर रही थी तो ये बताया जा रहा था कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भी वो जाएंगे, क्योंकि एटीएस की टीम यहाँ पर रवाना होगी ये कहा गया है। लेकिन अभी तक हमें जानकारी मिली है कि एटीएस की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची है, और वो यहाँ पर उस जानकारी को लेना चाहती है जिसका दावा इन दोनों ने किया था। दोनों ने कहा था कि प्यार की खातिर ये वो यहाँ पर, क्या वाकई में इन दोनों की शादी हुई थी या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि हम इसको दिखाने के लिए आपको अंदर की तस्वीरें भी लेकर जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को ही परमिशन होती है, उन लोगों के ही विवाह होते हैं। अगर यहाँ पर सीमा हैदर आई थी और सचिन के साथ शादी करने आई थी तो ये देखना होगा कि क्या उन्होंने अपना नाम बदला था, क्योंकि सीमा हैदर मुस्लिम समुदाय से है और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की एंट्री नहीं होती, और ये कहा जाता है कि ये हिंदू देवताओं का मंदिर है, और यहाँ पर जो शादी होगी वो उसी रीति रिवाज से होगी जो यहाँ पर हिंदू धर्म में, और यहाँ पर ख़ास तौर से लिखा भी गया है, आप यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है एंट्रेंस फॉर दी हिंदूज ओनली, यानी जो हिंदू है उसी की यहाँ पर एंट्री है। तो सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाले सचिन मीणा ने जिस तरह से दावा किया था कि उन्होंने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में 10 मार्च को शादी करी थी, और 10 मार्च के दौरान 10 मार्च से 17 मार्च तक वो यहाँ पर रहे थे, और उस दौरान उन्होंने एक होटल लिया था, उस होटल के बाद उन्होंने इसी तो एटीएस ने इस बाबत पूरी जानकारी ली, पूछताछ की। ऐसे में मीडिया के सामने सीमा हैदर और सचिन आए, पूरी कहानी को बयां किया कि कैसे मिले, क्या हुआ, कहां से शुरुआत हुई, लेकिन एटीएस ने एक प्रेस नोट जारी किया, उसमें पूरी जानकारी दी, और ये भी जानकारी दी कि एटीएस को जो सीमा बता रही है और जो मीडिया के सामने कैमरों के सामने कहा, उसमें क्या वाकई विरोधाभास है या सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही है। मैं भी उनके साथ खुश हूँ, और अल्लाह और भगवान करे कि हमेशा खुश रहे। मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं हिंदू धर्म में तो आ गई हूँ, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से यूपीएटीएस कई दिनों से कड़ी पूछताछ कर रही है। सीमा हैदर और सचिन से यूपीएटीएस ने अलग अलग और फिर एक साथ में बैठाकर भी पूछताछ की, लेकिन अभी तक एटीएस के हाथ ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी है जिससे सीमा पर जासूस होने का शक गहराए। सूत्रों के मुताबिक यूपीएटीएस ने सीमा हैदर को एक पाकिस्तानी जासूस मानकर ही पेचीदे सवाल किए, घुमा फिराकर सवाल किए। यूपीएटीएस ने एक ही सवाल को कई तरीके से पूछा, लेकिन सीमा हैदर का जवाब एक ही था। उसके भारत आने के मकसद के बारे में यूपीएटीएस जितने तरीके से भी सवाल पूछती थी, सीमा हैदर उसका एक ही जवाब देती थी कि वो सचिन के प्यार में भारत आई है, वो सचिन मीणा के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है, और वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूस नहीं है। जो सबसे कह रहे हैं बड़े एजेंसी जासूस हैं, कुछ भी हैं, वो कर रहे हैं मेरी जासूसी, तो मुझे यकीन है कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ है ही नहीं तो कुछ होगा कैसे, मैं इनकी मोहब्बत में आई थी। सीमा हैदर ने जो जवाब यूपीएटीएस को दिया है वही जवाब नोएडा पुलिस को भी दिया था,
और वही जवाब सीमा हैदर ने तमाम न्यूज चैनलों पर इंटरव्यू के दौरान दिया। यानी कि सीमा हैदर के बयान में कहीं भी कोई भी तब्दीली नहीं है। हर बार ऐसा सदा हुआ और एक जैसा जवाब कोई तभी दे सकता है जब या तो उसे झूठ बोलने की बेहतरीन ट्रेनिंग मिली हो या फिर वो सच बोल रहा हो, क्योंकि सच में छिपाने के लिए, झूठी कहानी बनाने के लिए कुछ नहीं होता। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सीमा ने कहा था कि उसे नोएडा पुलिस ने कहा था कि अगर वो झूठ बोलेगी और पकड़ी जाएगी तो उसकी परेशानी बढ़ जाएगी, इसीलिए सीमा ने पुलिस को सब कुछ सच सच बताने का दावा किया। सीमा हैदर से पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने एक प्रेस नोटिस जारी किया जिसमें 10 पॉइंट में सीमा हैदर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इस प्रेस नोट में कहा गया है कि सीमा हैदर पाकिस्तान में अपना घर बेचकर सचिन के पास नोएडा आई थी। 4 जुलाई 2023 को नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर को 14 विदेशी अधिनियम और आपराधिक साजिश के तहत गिरफ्तार किया था। 2020 में ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए से सीमा सचिन मीणा के संपर्क में आई थी। दोस्ती बढ़ने पर दोनों व्हाट्सएप पर बात करने लगे। इनकी बातचीत जब प्यार में बदल गई तब दोनों ने नेपाल में मिलने का फैसला किया। 10 मार्च 2023 को सीमा हैदर पहली बार कराची से नेपाल आई थी। इधर सचिन मीणा भी 10 मार्च को नेपाल पहुंच गया, जहां दोनों 10 मार्च से 17 मार्च तक काठमांडू के न्यू विनायक होटल में कमरा लेकर साथ रहे। 17 मार्च को सीमा पाकिस्तान चली गई और सचिन भारत लौट आया। इसके बाद सीमा ने हमेशा के लिए भारत आने का फैसला लिया और अपने 4 बच्चों के साथ 11 मई को पाकिस्तान के कराची से दुबई होते हुए 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंची, जहां से वो बस के जरिए 13 मई को भारत आ गईं। जानकारी मिलने पर रबुपुरा पुलिस ने सचिन मीणा, सीमा गुलाम हैदर, सचिन के पिता नेत्रपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तीनों आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। सीमा हैदर का पति 2019 से सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है। सीमा का पति घर खर्च के लिए हर महीने 70 से 80 हजार रुपए सऊदी से भेजता था। घर खर्च के बाद हर महीने 20 से 25 हजार रुपए सीमा बचाती थी। सीमा ने अपने गांव में 10 हजार रुपए की 20 महीने के लिए 2 कमेटी भी डाली थी। दोनों कमेटी खोलने पर उसके पास 2 लाख रुपए जमा हो गए थे। कमेटी और बचत के पैसे से सीमा हैदर ने 12 लाख रुपए में एक मकान खरीदा था। 3 महीने बाद ही सीमा ने 12 लाख रुपए में वो मकान बेच दिया था। सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट और 1 अधूरे नाम पते का पासपोर्ट बरामद हुआ है। सीमा हैदर ने भारत में गलत तरीके से आने का अपराध किया, जिसके लिए सीमा हैदर, उसके 4 बच्चों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर का भाई और चाचा पाकिस्तान की फौज में है, लिहाजा उसे पाकिस्तानी जासूस की नजर से देखा जा रहा है। शायद इसीलिए यूपी एटीएस ने देश की सुरक्षा के मद्देनजर सीमा हैदर से कड़ाई से पूछताछ की, ताकि उसका असल मकसद पता लगाया जा सके। फिलहाल सीमा हैदर को एक सेफ हाउस में रखा गया है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि पाकिस्तानी नागरिक होने के नाते सीमा हैदर पर हमला हो सकता है, इसीलिए पूछताछ के बाद भी पुलिस ने उसे सेफ हाउस में ठहराया हुआ है।